हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मैं नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा दोस्तों आप लोग को पता है कि जनधन खाते में सबको 500 रुपए आ रहे हैं। भारत हुआ था किसी के लॉकडाउन और इस बीच में 3 महीने तक यहाँ पे जो भारत की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने रात की योजनाएं चलाई कि 3 महीने तक 500 रुपए हर एक जनधन अकाउंट जिनका है उनके खाते में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग यहाँ पे सर्च करने लगे कि हम जनधन में खाता कैसे खुलवाएं, उसका फॉर्म कैसे भरें। आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि जनधन में खाता वगैरह कैसे खुलवाया जाता है, कैसे फॉर्म वगैरह भरा जाता है, पूरे डिटेल से जानेंगे। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो आखिर तक देखिएगा और जैसे ही मतलब आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट देख लेंगे पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की अच्छी अच्छी नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आई साइड में लगाते हैं स्क्रीन और देख लेते हैं कैसे कैसे क्या। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे साइड में स्क्रीन लगा दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आए देख लेते हैं पूरा स्टार्टिंग से कैसे कैसे क्या करना होगा। तो सभी के फोन में यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ऐप तो होती है, सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ऐप को ओपन करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, क्या सर्च करना है, आए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा PMJDY, यही शॉर्टकट नाम होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सर्च करना होगा PMJDY, लिख के बहुत सारे इंटरफेस आपके सामने आएंगे। लेकिन आपको कहाँ क्लिक करना है, कैसे यहाँ पे सब कुछ अकाउंट वगैरह ओपनिंग के बारे में जानना है, जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप नीचे आओगे यहाँ पे तो यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे https और /pmjdy.government.in, इस वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस मतलब ऑफिशियल जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या रूल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है नीचे, यहाँ पे अगर आप क्विक लिंक्स के पास देखोगे उससे ऊपर जो ई डॉक्यूमेंट्स है इस पर आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हिंदी, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म इंग्लिश, यानी दोनों लैंग्वेज फॉर्म आपको मिल जाएंगे। सिंपल है, यहाँ पे हम हिंदी वाले पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोड होगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हमको यहाँ पे कैसे फॉर्म फिल करना आइए जान लेते हैं। तो ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे अकाउंट खुलेगा। सबसे पहले आपको एक फोटो लगाना होगा, फिर यहाँ पे शाखा का नाम, गाँव, शहर, फिर अपना ब्लॉक वगैरह देना है, जिला देना है, राज्य देना है, और यहाँ पे अपना पूरा नाम देना होगा, परिवार के सदस्यों का नाम देना होगा, और अपना यहाँ पे पिन कोड वगैरह, पति पत्नी जो भी है यहाँ पे नाम, अपना सदस्यों का नाम, फिर यहाँ पे आपको नामांकित का नाम, संबंध, आयु, मतलब पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा, मतलब अपना पूरा बायोडाटा देना होगा। यदि कोई बैंक है तो खाता संख्या देना होगा, अपना जन्मतिथि वगैरह, फिर यहाँ पे पैन नंबर वगैरह, यहाँ पे फिर अपना आप कैटेगरी वगैरह चूज कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे वैवाहिक स्थिति है, फिर पता वगैरह दे दीजिएगा। कुछ सिंपल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको क्या करना होगा, फॉर्म फिल करके आप किसी भी बैंक में जा सकते हो, वहाँ पे जनधन खाता ओपन करवा सकते हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन है और सब लोग अधिक से अधिक लोग सोच रहे हैं कि हम इस समय जनधन में खाता खुला लेंगे तो पैसा आएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं, जिनका पहले खुला उन्हीं का आएगा और जिनका महिलाओं का अकाउंट है उन्हीं में आएगा। इस टाइम खुलाने से कोई फायदा नहीं होगा, पैसा वगैरह नहीं आएगा। लेकिन हाँ ये है, अगर आप ओपन करवा लेते हो तो आने वाले समय भविष्य में अगर जनधन के लिए कोई सुविधाएँ आएंगी आपको जरूर दी जाएंगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसी रहती है लाइक और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। सो टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।